ये क्या है, आपने 15-16 साल की लड़की से शादी कर ली? ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये मेरी धर्म पत्नी है और ऐसे तुम्हारी सास है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते ससुर जी, पोता पोती खिलाने की उम्र में आप ये गोल खिला रहे हो, अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। ये कहाँ लिखा है बूढ़े आदमी शादी नहीं कर सकते, अगर मैं इससे आज शादी करके खुश हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते ससुर जी, पोता पोती खिलाने की उम्र में आप ये गोल खिला रहे हो, अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। मुझे किसी से डर नहीं लगता, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। ए लड़की, क्या ये सच है कि तूने इनसे अपनी मर्जी से शादी की है? सुन लिया ना, इसने खुद कबूल किया, अब कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखो तुम इस घर की बहू हो, बहू बन के रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें और तुषार को कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग घर छोड़ के जा सकते हो। जाओ अपनी सास को अंदर लेके जाओ। ए लड़की, क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? दीदी मुझे उस बुड्ढे से बचा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुसीबत? लेकिन शादी तो तूने अपनी मर्जी से की थी ना? नहीं दीदी, वो सब झूठ था। सच तो ये है कि उसने मुझसे धोखे से शादी कर ली। क्या, लेकिन ये सब कैसे हुआ? दीदी मैं एक छोटे से गांव से हूँ, उसने धोखे से हमारी जमीन हड़प ली, हमारे घर पे भी कब्जा कर लिया और बोला अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने मजबूरी में उससे शादी की। दीदी मुझे प्लीज बचा लो। बेटा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे और कितनी देर है, जल्दी से लाओ मेरी दुल्हन को, हमें घूमने भी जाना है। हाँ पापा, अभी 5 मिनट में लाती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, इधर आओ मेरे पास बैठो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। अरे थोड़ा पास आओ ना। रुक जाइए पापा। ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो आप, एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बेटा तमीज से, ये मेरी पत्नी है और आज से तुम्हारी माँ है। बस करो पापा, माँ के जाने के बाद आप इतनी छिछोरी हरकत करोगे मुझे तो यकीन नहीं होता। और अगर आपको शादी करनी थी तो अपनी उम्र की किसी औरत से करते, इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तुषार तुम मेरे बेटे हो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, अगर तुम्हें मेरी शादी से प्रॉब्लम है तुम इस घर से जा सकते हो। आप चाहे मुझे घर से निकाल दो लेकिन मैं इस बच्ची पर और जुल्म नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा तुम? ले मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ, जा जो करना है कर ले। रुकिए पापा। पुलिस। अरे यहाँ पुलिस किसने बुलाई? मैंने बुलाई पापा, एक नाबालिग लड़की से जबरदस्ती शादी करने के जुल्म में मैं आपको गिरफ्तार करवाता हूँ। सर ये झूठ बोल रहा है। ए लड़की बता, मैंने क्या तेरे से जबरदस्ती शादी की है? हाँ सर, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। पापा मुझे शर्म आती है कि आप मेरे बाप हो, आपने तो पिता शब्द का ही अपमान कर दिया। लेकर जाइए इन्हें। सर। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बूढ़े से बचा लिया, आप मुझे मेरे माँ बाप के पास ले जाओ। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हें गाँव भी पहुँचा देंगे और आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी हमारा।